अस्सलाम वालेकुम। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं बनाने जा रही हूँ मटन का सालन। शाम के लिए अभी से बना के रख लूँगी। वह रखा है मटन, उसको मैं अभी क्लीन करूँगी। और ये मैंने ऑनियन और टमाटो को कट करके रख ली। तो चलिए पहले मटन को क्लीन करते हैं। और ये थोड़े से बर्तन हैं धोने के, वो मैं पहले मटन क्लीन करके फिर बर्तन धो लूँगी। ये फ्रिज में रखा था मटन। तो ये मैं मम्मी को दिखा लेती हूँ मटन कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, या कम करूँ या ज़्यादा करूँ, मैं दिखा के आती हूँ। तो ये मैंने मम्मी को दिखा दी हूँ, ये इतना ही रहेगा क्योंकि आज है मौलाना का खाना। और मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर बनाते हैं मटन। ये जो बाकी का मटन बचा है मैं इसको ना फ्रीजर में रख दूंगी। ये मैंने मटन को सब साथ में मिक्स करके पकने रख दी हूँ। अब इसमें 5-6 सीटियाँ आ जाएंगी, तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर मुझे फ्लोर की भी क्लीनिंग करनी है। चलिए तो मिलते हैं 5-6 सीटी के बाद। मटन बन रहा है और मैंने बर्तन भी धो ली हूँ, फ्लोर की भी क्लीनिंग हो गई है सारी। अभी जाएंगे अंदर अम्मी के पास, अम्मी सिल रहे कपड़े। ये सिले है पापा की सलवार कुर्ते पे की, कुर्ता तो टेलर सिएगा, सलवार अम्मी ने सिल ली। अम्मी को भी आता है कुर्ता सिलना, लेकिन अम्मी सिले नहीं अभी क्योंकि टाइम नहीं है इतना। सिल गई ना ये? हाँ। अभी दूसरी? दूसरी भी सिलना था अभी। और बच्चे तो बाहर है, अलजैन इब्दुल बाहर है, मिन्नू, बाकी तैनूर, भाभी और आयत गए है शॉपिंग करने। भाभी आयत और आयत शॉपिंग करके आ चुके हैं। ये रहा भाभी का ड्रेस। ग्रीन कलर का है, अच्छा लग रहा है। लाइट चालू है, ये तुम्हारे कपड़े में मैच करती है। तहलूर की चप्पल है ये, और ये पिंक कलर का ड्रेस, ये भी अच्छा लग रहा है। वैसे अच्छा दिख रहा है, फोन में अच्छा नहीं दिख रहा है ना। अलजैन को ना गुस्सा आ रहा है ना अलजैन, ये इसका हाँ मस्त लग रहा है।
ये नकाब पे का स्टाफ है ये। अच्छा लग रहा है ना कलर? ये रहता है, ये बड़ा नहीं आ गया भाभी? नहीं सही है, उधर नाप के देखो। अभी मिल जाएगी तेनू। तेनू का कुत्ता अलजन को गुस्सा आ रहा है। अभी आती है आयत की शॉपिंग। आयत दिखा, आयत ने ये लाई है और ये रहा आयत का ईद का ड्रेस। ये रहा प्लाजो। और एक ड्रेस लाई। ये रही एक और कमीज, फुल ड्रेस है ये भी। तैनूर को तैनूर बर्गर चाहिए। ये रहा वो ड्रेस पे का दुपट्टा, ये वाले ड्रेस का दुपट्टा है। मेकअप का स्पंज, मस्करा और 2-in-1 कॉम्पैक्ट पाउडर। या इतने लाइए मनु, अब माले पे जाके आयत का मेकअप का मेकअप करेगी ना। काजल, कंसीलर और लिपस्टिक, और ये बहुत सारे स्किमर्स। ये क्या था? ये ऐश ने लाई थी इब्नुल के लिए कपड़ा, लेकिन इसने रो रो के ले लिया अलजैन ने। ये मैं गिल्ड के इयररिंग्स, इयररिंग्स भी लाई। वो नहीं लाई बैंगल्स, बता। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये पहन लाई थी। क्या हो गया मेरे ऊपर का? हाँ ये अच्छा लग रहा है। ये रहे बैंगल्स, सेट बना के। और कुछ नहीं है, मेरा डब्बा भर जाएगा ऊपर। ऐसे लगानी है। वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो वाला पहनना ही। रेड वाला नहीं, इस पे के लिए जो है ना इयर रिंग्स, वो वाले। मैंने तो एक ही ली थी। ये लाए थे दस्तरखान ईद के लिए, घर के लिए, रोलते लिए। हाँ इस पे खाना खाएंगे अपन, ईद के दिन खाएंगे इस पे, है ना? हाँ ईद के दिन। हाँ इसमें खाना खाते हैं। ये बन रही है पोटैटो फ्राइज और ये बना है रायता। ये गई है उसमें चटनी, लहसुन और मिर्ची की।
ये बाजी हो गए। हाँ हो तो गए। फ्राइज रेडी हो गई है। आज इफ्तारी में फ्राइज है। क्या फ्राइज? बस खाना मत दिखा बाजी प्लीज। नहीं ये तो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि थोड़ा सा इसका बैटर बच गया था, पता नहीं अच्छा लगेगा। तो इसने बोली बैटर वेस्ट क्यों करूँ, इससे अच्छा ऑनियन रिंग ऑनियन बना लेती हूँ। और इसके साथ है रायता। हमारे घर रायता ज़्यादा खाया जाता है इसलिए हम लोग रायता बनाया। और ये हमारी आयत मैडम ने ऑर्डर करी थी। ये मैडम मैडम ही है बस। चिप्स जूस। ये फ्रूट की कटिंग हो रही है। ये भाभी ने वहां से आते टाइम लेके आए थे। ये तो आयत ने लिए। आयत ने लिए। आयत बच्चे लेके उम्र हो गया इसका। ठंडा हो गया। तो थैली में से निकालना चाहिए था ना। ठंडा हो गया। ये मैंने लियो। बाहर दो अभी थैली। अभी अपने साइज के लिए मैंने अपने साइज का लिया। मैंने ज्यादा लिया ना। सबको खाने चाहिए अपना। मैंने तो सब काम कर। ऑनियन भी आया है। ये क्या चीज है? चिकन क्रिस्पी। चिकन क्रिस्पी ये फ्राई किए गए हैं। चिकन क्रिस्पी। और ये रहा शोरमा दूसरी प्लेट में। ये चिकन रोल इसे रख लो ना। मैं काट। ये सब चिकन के आइटम। काट देना। चिकन के आइटम है। चिकन का समोसा है। चिकन रोल है। चिकन क्रिस्पी है। ये कबाब। और ये कबाब। ये रहा शोरमा। बच्चे पहले ही बैठ गए। ये बैठी तैनूर बिन्नू अलसैन। बिन्नू अच्छा लगा? मम्मा मेरे को अलसैन बोलो। अलसैन कैसा लगा? हाँ ये फ्राई थे पोटैटो फ्राई है ना। खा के बताओ कैसा लगा तैनूर। कैसा लगा तैनूर? अलजन कैसा लगा? अच्छा लगा। चलिए तो मिलते हैं अब इफ्तारी के बाद। मैं ना ये रायते दिखाना भूल गई थी। अब याद आई। इसको बर्गर चाहिए। बर्गर नहीं है चोरमा है। उनका बाबू ये तैनूर का बर्गर है। अच्छा ये का। क्या हुआ तैनूर? तैनूर तू जाने नहीं जाएगा अभी वो। इफ्तारी करके हो चुका है पता है। अच्छा और ये मटन का सालन भी बन चुका है। मैंने इसमें पोटैटो ऐड कर दी थी और पानी। अब इसमें डाल देंगे कोथमीर। ये तैयार हो गया है हमारा मटन का सालन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।